नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विगत दिनों विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के स्टेडियम के पास रात्रि करीब 12 बजे बाइक सवार पत्रकार सरोज तिवारी के ऊपर स्कूटी सवार बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था। मारपीट में घायल पत्रकार को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बदमाशों ने मारपीट कर मोबाइल भी छीन कर चंपत हो गए थे। सरोज तिवारी ने बताया कि चुनावी रंजिश के चलते उनके गृह ग्राम के ही लोगों ने उन पर हमला करवाया या किया है। गत माह उनकी बाइक उनके घर से चोरी हो गई थी, जिसे मऊगंज पुलिस ने बरामद किया है। उक्त बाइक उनके गांव के ही एक छात्र युवकों के द्वारा चुराई गई थी, लेकिन मनगवां पुलिस उक्त चोरी की बाइक को ना तो तलाशने में रुचि दिखाई और बाइक बरामद होने के बाद आरोपी से कड़ाई से पूछताछ भी नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों को बचाने के लिए ही पुलिस के नाम का खुलासा नहीं किया। बाइक जिससे बरामद हुई है, वह उनके घर से 60 किलोमीटर दूर का रहने वाला है, जिससे साफ पता चलता है कि बाइक चोरी कर बेची गई थी। अगर पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती तो कई मामलों का खुलासा हो सकता था। आगे वह बाइक चोरी के मामले को ना उछाले, इसके लिए उसके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं, पीड़ित सरोज तिवारी ने पूरे मामले को लेकर किस पर हमले का आरोप लगाया है। मारपीट लूट हुई है, क्या पूरा मामला था, क्या लूट ले गए और कौन व्यक्ति हो सकते हैं? ये हमें शंका है कि हमारी जो है तो इससे पहले हमारी गाड़ी चोरी चली गई थी गाँव से, तो उसी से जुड़ा वारदात ये लगता है, क्योंकि उनको जिनको जिन पर हमें शंका है उन्हें ये डर था कि हमारा नाम सामने आ जाएगा गाड़ी मिलने के बाद, जो चोर पकड़ा गया शायद खुलासे के डर से वो लोग हमारे ऊपर ये हमला किए हैं, और उनको ये डर था कि सामने आएगा तो थोड़ा उनको लग रहा होगा कि हमारी। कौन लोग हो सकते हैं जिनको आपको शंका है? गाँव के ही लोग हैं वो हमारे, और दूसरा नहीं, हमारी किसी से कोई रंजिश ही नहीं। कैसे घटना घटी, कैसे मारपीट किया आपके साथ, और पुरानी घटना क्या थी जिस पर नाम आने का डर है उन लोगों को? पुरानी घटना ये थी कि हमारी गाड़ी गांव के बगल में ही खड़ी थी, एक घर में बगल पड़ोसी के यहाँ, वहाँ से गाड़ी हमारी चोरी चली गई। कभी पहले भी खड़ी करते थे, कभी चोरी नहीं गई। चुनावी थोड़ा वो उस समय चुनाव था पंचायत का, उसका थोड़ा वो ईर्ष्या बन जाता है, टेंशन, उसी के कारण मेरी गाड़ी चोरी करवाई गई। चोरी गई नहीं, चोरी करवाई गई, क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो उसका 60 किलोमीटर कैसे, मतलब हमारे उसका कोई वही नहीं है, जानकारी नहीं कि कहाँ से तिवारी जी अभी आ रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर दिए, चोर आ गया ले गया, ऐसा कोई बात नहीं है। ये गाड़ी चोरी से ही इंटेंशन पैदा, कहाँ मिली गाड़ी और क्यों शंका है कि गांव के लोगों ने ही मरवाया होगा? अब गांव हमारा जो हमारे गांव से गाड़ी मऊगंज थाने में मिली जाके, तो हमें ये है कि शंका कि मऊगंज कैसे पहुंच गई गाड़ी, अगर मऊगंज से हमारा उससे क्या कोई परिचय हो, पुलिस पता लगाए कौन व्यक्ति है जो पकड़ा गया था? साकेत है, प्रांजल साकेत उसका नाम है, प्रांजल उर्फ राज ऐसे कुछ नाम है उसका। क्या लगता है कि आपके जो पड़ोसी थे जिनसे बात, उन्होंने चुरवाया उसको बेच दिया? हाँ हाँ बिल्कुल। तो पुलिस ने खुलासा नहीं किया, उससे पूछताछ नहीं किया कि किससे गाड़ी खरीदा था या कुछ चुराया था? मनगवां पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मनगवां पुलिस तो नथिंग थी, कहीं भी उसने सहयोग मेरा नहीं किया। कौन लोग हैं, नाम कुछ है उनका जो जिन पर आपको शंका होगी? कौन शंका है उसको बताया तो संजय तिवारी है एक, और एक सत्यम है, सत्यम तिवारी, एक आदर्श दुबे करके है, एक विवेक शुक्ला है, एक रोहित शुक्ला है, ये इनकी गैंग है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने, ये वारदात करते हैं, पुलिस इनको जानती भी है, अगर पुलिस सच्चाई का है, ये मतलब नशे से भी जुड़े काम करते हैं ये कई। कैसे आपके साथ मारपीट किया और चाकू मार दिया आपको यहाँ? चाकू अब ऐसे कि हम जा रहे थे, प्रेस से आए और प्रेस से जा रहे थे, जैसे मुड़े दो तीन लोग वहां मोड़ में पहले खड़े थे, नीम चौराहे पर, नीम चौराहे नहीं, ये क्या नाम, स्टेडियम चौराहे के थोड़ा जो वो मोड़ जाता है उधर को, नीम चौराहे तरफ थोड़ा आगे खड़े थे। हम कभी ध्यान नहीं देते, हम तो अपना काम अपने चले, हम जैसे ही थोड़ा आगे निकले कि पीछे से आ गए और हमारी गाड़ी की चाबी बंद कर दिए, गाड़ी हो गया हम, और मार 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 चाकू मार 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 साले को मार, इस मैं दहशत में आ गया और वो कर दिया भाग, हम बचाव में आ गए, वो गाड़ी गिर गई, सब वो मारे, कई चाकू मारे, एक बार हमारे मतलब उसका घाव एक पैर में लगा के। और क्या छीन ले गए आपका? मोबाइल ले गए, हो गया, पैसे तो नहीं लिए थे, जो नहीं था वो हम झूठ न, रिपोर्ट लिखा दी आपने, रिपोर्ट हो गया, फिर साथियों को फोन किए, वो आ गए,
पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस भी आ गई, ले गए वो डायल 100 वाले, दवाई वहाँ पट्टी करवाए, टांका लगवाए पैर में। अभी कोई आरोपी पकड़े नहीं गए? हाँ, आरोपी कोई नहीं पकड़ा गया।